आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए आत्मविश्वास का होना सबसे बड़ी आवश्यकता है। मन में अगर कुछ करने की ठान ली जाए तो कोई भी कार्य में सफलता मिलना स्वाभाविक है, चाहे कठिनाई कुछ भी क्यों ना हो। एक ऐसा ही आज हमारे सामने प्रेरणा देने वाला उदाहरण है शीला जी। इनके दोनों हाथ किसी दुर्घटना में नहीं रहे, लेकिन इन्होंने इस चुनौती को पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वीकार किया और अपने दोनों हाथों का काम अपने दोनों पैरों से लिया और कला जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। शीला जी, आज आप हमारे बच्चों को क्या बनाना बताएंगे? आज मैं आधार से आकार में कुछ चित्र बनाना। आधार से आकार, यानी कि किसी भी चीज का आधार होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आज आपको आधार से आकार बनाना बताएंगी शीला जी। तो सबसे पहले क्या बता रही हैं? सबसे पहले कौन सी आकृति बना रही हैं? पहले मैं सबसे पहले गोला बनाऊंगी। अच्छा, और उसमें गोले में किस तरह से आम बनाते हैं गोले से? बच्चों, आम आप खाते हैं कब? गर्मियों में। शीला जी, जल्दी से गर्मियों का आनंद दिलाइए आम बनाकर। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया गोला बन गया। बच्चों, आप भी बनाइए। आप भी बना दे। चलिए बच्चों, आप शीला जी थोड़ा सा ऐसा काट दीजिए। अरे वाह, ये तो देखिए बच्चों, आम की आकृति बन गई, लेकिन अभी थोड़ी कम ही है इसमें। जी वाह, ये तो पूरा आम बन गया। नंदिनी, आपने क्या बनाया दिखाइए जरा। आम, वाह। अब कौन सी आकृति बनाएंगे आप इससे? ये गोले में ही मैं बनाऊंगी, पर आधा आधा गोला लेके। अच्छा, आधा गोला लेकर। चलिए बच्चों, आप लोग तैयार रहिए दूसरी आकृति के लिए। जी, सी बनाते हैं जिस तरह से। बच्चों देखिए, सी टाइप से बनाकर आपको बता रही हैं। ये देखिए, देखिए पहले सी बना। सी बन गया। इधर से भी डबल सी बनाएंगे, उल्टा। ये देखिए, उल्टा सी बना। इधर से मिला दिया। ये क्या बन रहा है बच्चों? सेब। पल्लवी बताइए, सेब। अरे वाह, पहचान गए। लेकिन आप लोग बनाते भी चलिए फटाफट। ये तो बिल्कुल सेब की आकृति बन गई। अच्छा, आप रजत, आपने बना लिया सेब, दिखाइए। तिकोने में आकृति बनाएंगे शीला जी। देखिए, अब तिकोने में आकृति बनाएंगे। पल्लवी, शिवानी, आप लोग देख रहे हैं ध्यान से। तिकोने में मैं मूली बना ली हूं। कैसे तिकोना बना के हम मूली बना सकते? ठीक, मूली तो आजकल आ रही है खूब, आप लोग खाते होंगे। सीधी लाइन खींची। देखिए पहले सीधी लाइन खींची। ये देखिए, तिकोनी आकृति बन गई। और आप शीला जी, इसमें क्या करेंगे? इसमें थोड़ा सा ये पत्तियां भी इसी तरह से होती हैं जी, इस तरह से बढ़ा दिया, इस तरह से। ये देखिए जरा, मूली की पत्तियां भी बन गई। और बस थोड़ा सा इसको गुलाई दे देंगे इधर से और इधर से। देखिए बच्चों, गोलाई देने पर तिकोनी आकृति में ये बन गई मूली पूरी। और अब शिवानी, आपने बनाया, दिखाई। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये लौकी बनाना बताएंगे। जैसे इस तरफ से थोड़ा सा हमने इस तरह से बनाया पतला करके, ठीक, और इस तरह से ले गए, इस तरह से ये बनाया और इसको इतना बड़ा कर दिया इस तरफ से। अच्छा, इसमें दो तिकोनी आकृतियां बनी। दो तिकोनी, ठीक, बनाइए आप लोग।
आप लोग बनाइए साथ साथ। पल्लवी बड़ा बनाइए, जैसे थोड़ा बड़ा बनाइए बच्चों। अच्छा इसको अब इसमें आप क्या करेंगे? इसमें थोड़ा सा गोला कर देंगे इधर से। अच्छा, और इस तरफ से ठीक। और ये इस तरह से बना देंगे। अच्छा बच्चों आपको दिख रहा है ये जो आकृति इन्होंने चेंज की है, ये दिख रहा है आपको? आप इसके बाद इधर से देखिए, पहले इधर से आधा ये हमने गोला बनाया। अच्छा आधा बना लिया, बनाओ। और उसके बाद ये तिकोनी जो है ये यहाँ से थोड़ा सा निकाल के अंदर ले गए घुमाकर। बच्चों देख रहे हैं, दूसरी दोहरी लाइन बनेगी इसमें, अंदर से घुमा करके, अंदर से घुमा के तभी लौकी का शेप आएगा। ये लौकी का शेप आ गया, बना लिया आप लोगों ने। ऊपर से ये लौकी में वो होता है ना डंडल, देखिए लौकी की डंडल बन गई। पल्लवी आपने क्या बनाया? क्या है ये? लौकी। लौकी बच्चों बताइए गोले में और कौन कौन से फ्रूट्स बन सकते हैं, कौन सी आकृति? अमरूद। हाँ चलिए शीला जी अमरूद बनाना बताइए। कैसे बनेगा? गोला बनाएं? पहले गोला बनेगा, फिर उसमें अमरूद की आकृति आ जाएगी, है ना? जैसे एक छोटा गोला बनाया। एक बड़ा गोला। अच्छा दो गोले बनेंगे, देखिए बच्चों इसमें दो गोले बनेंगे, एक छोटा और फिर एक बड़ा। इस तरह से। अच्छा अब इसको थोड़ा सा यहाँ से मिला देंगे। अच्छा ऐसे। अच्छा इधर से ये थोड़ा सा जो निकला रहता है ये हो गया। अच्छा ऊपर से हम अच्छा अब ये क्या बन के तैयार हो गया बच्चों? अमरूद। अमरूद तो आप लोगों ने सीखा कि अमरूद भी कैसे बन गया दो छोटे छोटे गोल आकृतियों में। कल आपने देखा बनाया आपने, दिखाई? हाँ बहुत बढ़िया। मैं फूल गोभी बनाती हूँ। देखिए अब फूल गोभी ये गोला बनाया। एक बड़ा सा गोला बनाइए। इसके बाद शीला जी इसमें हम छोटे छोटे ऐसे इस तरह से बना देंगे। अच्छा पूरे उसमें इस तरह से। अच्छा इस तरह से। अच्छा ये फूल हो गया गोभी। हाँ ये गोभी का फूल हो गया। सब बच्चे बना रहे हैं? देखिए बच्चों पल्लवी आपका बन रहा है। और ये अभी पत्ते भी थोड़े से बना दें जिससे तरह से पत्ते रहते हैं। गोभी में पत्ते होते हैं ना बच्चों? इस तरह से भी कर सकते हैं इसमें। टार्ट आपने क्या बनाया देखें? क्या है ये? फूल गोभी। अरे वाह ऊपर करिए थोड़ा। बच्चों देखिए अंगूर और संतरा दोनों बना रहे हैं शीला जी। Mm-hmm.
देखिए छोटे छोटे गोनों से अंगूर बन रहा है। चाहे आप एक बड़े गोले से आकृति बना लें या कई छोटे छोटे गोले बनाकर। देखिए बच्चों अंगूर बन गया। देखिए बच्चों संतरे के लिए एक बड़ा सा गोला बना। अभी अंगूर में छोटे छोटे गोले बने थे और संतरे में एक बड़ा सा गोला बना। ये बन गया संतरा। संतरा तो कुछ करना नहीं है। संतरा बन गया। आप रजत आप दिखाइए संतरा आपने कैसा बनाया। हाँ सिर्फ गोले में ही संतरा बन गया। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए अब कद्दू बनने जा रहा है। गोला बन गया। गोला बन गया बच्चों। अब इसमें वो धारियां बना देंगे तो वो हरा और पीला तो कद्दू होता है ऐसा शेप। देखिए बच्चों गोल आकार बना करके उसमें धारियां दे दीजिए। कद्दू दो तरह के होते हैं ना, एक हरा हरा आता है एक पीला पीला। कद्दू की डिमांड किसकी थी? नंदिनी की। नंदिनी आपने बना लिया कद्दू? दिखाइए शीला जी को। शीला जी ने गोल और त्रिकोणीय आकृतियों से कितनी सारी चीजें बना दी। अगली बार शीला जी आपको और ढेर सारी आकृतियों और बहुत सारी चीजें बनाना।